हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हाशिर और आप देख रहे हैं KICE। और आज मैं आया हूँ आगरा की एक मार्केट में और यहाँ मैं बैठा हूँ फैक्ट्री के अंदर। अभी मैं टूर करके आया हूँ हिंग की मार्केट का, वहाँ है होलसेल मार्केट, लेकिन अब जहाँ मैं आया हूँ ये है फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ से माल निकल के जाता है हिंग की मार्केट में बिकने के लिए। और मैं बैठा हूँ बबलू भाई के साथ जो इस फैक्ट्री के ओनर हैं और आज हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से शूज़ बनते हैं। और अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ होलसेल मार्केट के अंदर जाके ही लेंगे। अगर आपकी कोई फैक्ट्री ओनर किसी को जानते हैं या आप ये वीडियो देखते हैं किसी और वीडियो के थ्रू किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट माल ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी क्वान्टिटी कितनी है। अगर आपको लो क्वान्टिटी में माल चाहिए तो आप वो होलसेल मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा खासा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना चाहते हैं तो आप किसी भी फैक्ट्री हब में आ सकते हैं। तो मैं आज बबलू भाई के पास आया हूँ और ये तैयार हो गया मुझे इंटरव्यू देने के लिए और ये सारी डिटेल्स मुझे कम्प्लीटली बताएंगे और ये रेट्स जूतों के जितने भी इनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सबके रेट बताएंगे। तो बबलू भाई, वेलकम टू माई चैनल। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे काफ़ी सारे रीसेलर जुड़े हैं जो मेरे साथ जो मेरे से माल लेके आगे देते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर नया अपना कंपनी शुरू करना चाहता है आपके थ्रू तो आप उसको मिनिमम से मिनिमम कितनी क्वांटिटी जूतों की देती है? मिनिमम हमारे यहाँ कम से कम 8 जोड़ी का तो सेट होता है। एक सेट में 8 जोड़ी होता है? अच्छा, तो इसके बाद जैसे उसके सामने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगर कोई स्टेट के बाहर है और ट्रांसपोर्टेशन से माल मंगवाना चाहता है तो वो भेज देंगे, उसके चार्जेस कितने लगते हैं मिनिमम? वो एक्स्ट्रा लगते हैं कार्टून के हिसाब से। कार्टून के हिसाब से एक कार्टून में कितने पीसेज आते हैं? तकरीबन 40 पीसेज आते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम स्टार्ट कर रहा है तो उसे मिनिमम 40 पीस ले जाने पड़ेंगे अगर ट्रांसपोर्ट में माल चाहिए। और इन केस जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई आता है और सिंगल सेट लेना चाहता है यहाँ पे आके तो आप उसे सिंगल सेट भी दे देंगे? कम से कम 8 जोड़ी का एक सेट होता है तो वो आप दे देते हैं। ठीक है, तो बबलू भाई हमें ये बताइए कि आप किस किस टाइप के मॉडल्स यहाँ पे बनाते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं और उनके क्या रेट्स हैं? अब देखिए, ये फॉर्मल शूज है। अच्छा, ये ब्लैक फॉर्मल शू है और ये किस मटेरियल का बना हुआ है? सिंथेटिक है, फॉर्म लगी है, सिंथेटिक फॉर्म का है। और इसका जो एयरमैक्स एयरमैक्स का सोल है। और ये क्या रेट पड़ेगा? ये है 220 रुपये का सेट वाइज रेट पड़ेगा कैश। अच्छा, मैं मार्केट गया था तो मैंने ये सुना कि कैश एंड क्रेडिट के रेट्स अलग होते हैं, ऐसा ही सब? तो क्रेडिट आप उन लोगों को देते हैं जिनको आप जानते हैं, आप किसी को भी देते हैं? हमारा रेगुलर काम है, जिससे हमारा रेगुलर काम होता है हिंदी मंडी में। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई आएगा फर्स्ट टाइम तो उसको माल कैश में लेना पड़ेगा, उसके बाद जब रेगुलरिटी बनेगी उसके बाद वो फिर बाद में देखा जाएगा, जब बिजनेस जुड़ जाएगा अभी मैं आपको समझ लूँगा। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस रिलेशनशिप कैसा है, हर किसी को क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, और मुझे और कुछ आर्टिकल दिखाइए, जैसे ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये TPR का सोल है। अच्छा, ये TPR का सोल है और ये सेमी कैजुअल के अंदर आता है और इसका ऊपर का जो मटेरियल है किस चीज़ में? सिंथेटिक लेदर है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो इसका क्या रेट पड़ेगा बबलू भाई? ये 350 रुपये। 350 रुपये सेट TPR हो जाएंगे। अच्छा, तो ये 350 रुपये का शू है। आपको ये मार्केट के अंदर अगर आप लेने जाते हो, अगर आप एज अ कस्टमर लेने जाते हो तो आपको मिनिमम से मिले 1000-1200 का मिलेगा। 1000-1200 का मिलेगा ये। और अगर हम दुकानों पे जैसे हम होलसेलर तो वो 450 रुपये से कम कर देगा ना? 450 से कम कर ही देगा। तो और कोई आर्टिकल किसी का? अच्छा, ये ऊपर मॉडल है और ये भी अच्छी क्वालिटी में लेदर में? सिंथेटिक में ये। और इसकी सोल कौन सी है? ये TPR। अच्छा, TPR सोल ये है, अच्छी क्वालिटी है ये। और इसका क्या रेट होगा? ये भी 350। अच्छा, मैं जैसे दिल्ली से आया हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे जो करोड़ बाग मार्केट, लाजपत राय मार्केट है, इस टाइप की मार्केट है, तो इस टाइप के शू का अगर मैं नॉर्मल रेट देखता हूँ वहाँ पे तो 1000-1100 रुपये से कम का मुझे नहीं मिलता। कितने का मिनिमम से मिनिमम बेचते हैं? कहने का मतलब ये, अगर आप यहाँ से माल लेते हैं और अगर आप आगे बेचना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। और कुछ इस टाइप का दिखाइए, पार्टी वेयर जो होता है। हाँ, ये पार्टी वेयर है। अच्छा, ये मतलब सीजन के हिसाब से गर्मी के अंदर चलता है? ऑन सीजन ही चलता है, तो 12 महीने इसके। हाँ, ये मैंने ये बल्ली मारान, दिल्ली की बल्ली मारान मार्केट में मैंने बहुत बिकता हुआ देखा इस टाइप का शू। तो ये क्या रेट पड़ेगा? ये 230 रुपये का पड़ेगा। और ये दिखाइएगा, ये शाइनिंग वाला। अच्छा, इसकी क्वालिटी बड़ी बेटर लग रही है। तो ये बिल्कुल, ये किस मटीरियल में है?
शैनी बोलते हैं शैनी शैनी इम्पोर्टेड है ये भी इम्पोर्टेड है अच्छा और इसका क्या रेट है 240 रुपये सेट अच्छा ये मार्केट में बबलू भाई मैंने ये बिकता हुआ देखा है ये 1500 रुपये का जूता मैंने मार्केट में देखा है ये अभी ये है यार अरमानी की नकल उसकी दो 3000-4000 अच्छा 3000-4000 रिटेल में मतलब आराम से बिकता है और यहाँ पे क्या रेट पड़ेगा 330 रुपये का 330 रुपये का रेट है और चलेगा भी अच्छा हैंडमेड काम है अच्छा लेकिन हैंडमेड है अच्छी मिस्टी चलती है दो तीन महीने तो कहीं नहीं जाएगा 3-4 महीने आराम से लेने आता और वैसे भी 250-300 रुपए के अंदर सोल जो है अलग अलग क्वालिटी की आती है तो कौन कौन सी सोल होती है अगर आप बताएंगे सबसे नंबर वन सोल होता है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया टीपीआर सोल टीपीआर के अंदर ग्रेविंग अच्छी होती है जैसे आजकल पर्स वगैरह जो चल रहा है हो जाता है टी पी आर की ग्रेपिंग अच्छी पकड़ लीजिए फिर प्यू का लगता है तो टी पी आर जो होती है सबसे महंगी सोल होती है महंगा अच्छा होता है ठीक है महंगा तो बहुत होता है रबड़ भी आता है वैक्सपोर्ट वगैरह में लगता है अच्छा हाँ ये बबलू भाई इस टाइप के पार्टी वेयर बहुत चलते हैं जैसे कि मैं कैमरे में पहले दिखा देता हूँ इस टाइप के और ये इसकी सोल है उस पर भी डिज़ाइन होगा ये बहुत अच्छा फिनिशिंग के अंदर है ये क्या रेट है बबलू भाई 235 रुपये सेट प्राइस अरे वाह ये ऑल्डो टाइप डिजाइन का शू है आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर है और ये सोल के ऊपर भी ये क्या रेट है बाबू भाई 235 के आसपास का तो मैंने ये चीज़ देखी कि जितने भी पार्टी वेयर हैं ये अराउंड 250 से 350-400 की रेंज के अंदर है अगर रेट में डिफरेंस होता भी है तो मेरे ख्याल से 5 से 10 रुपये 15 रुपये का डिफरेंस ऐसे आया है वो भी सोल की वजह से मटीरियल की वजह मटीरियल भी हो जाता है ना मटीरियल कभी कभार मटीरियल की कॉस्टिंग ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है इसके अंदर मटीरियल अच्छा लगा अच्छा प्रीमियम फिनिशिंग वाली है टीपीआर के सोल के साथ ये क्या रेट है 320 रुपये का रेट है हाँ ये अच्छा है ये अच्छी क्वालिटी है कैमरे में दिखा देता हूँ ये बहुत अच्छा पीस है इसके अंदर टीपीआर की सोल लगी है जो ये बता रहे टॉप क्लास सोल होती है मटेरियल भी टॉप क्लास और ये 320 रुपये का इशू है अगर आप मार्केट में जाएंगे ना लेने के लिए तो ये कम से कम 800-900 रुपये से कम का आपको 1000 रुपये से कम का नहीं मिलेगा 1000 रुपये वो भी आप जब बार्गेन करेंगे उसके बाद तो बबलू भाई एक बात मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी शूज को देख लिया आपके प्राइसेज भी बहुत अच्छे लगे मुझे मैं मार्केट में घूमा उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि आपके प्राइसेज लोएस्ट लगे मुझे तो जो लोग ये वीडियो देख के आएंगे या जो लोग किसी और भी वीडियो देख के अगर कोई कंपनी में आते हैं तो डायरेक्ट आपके पास आएंगे मैं बबलू भाई का जो है डिटेल्स इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप कोई काम नया शुरू कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं हमारे वीडियो का भी रेफरेंस दे सकते हैं या फिर आप किसी और ऑनलाइन वीडियो का भी रेफरेंस दे सकते हैं तो अब बबलू भाई मुझे ले जाने वाले हैं उनकी फैक्ट्री में जहाँ पे शूज़ बनते हैं तो आज जो है छुट्टी का दिन है और इन्होंने लेबर को भी आज जाने के लिए कहा है ताकि ये है कि हमारा थोड़ा सा वीडियो का ईजी हो जाए हमारे लिए और ये सारी जितनी मशीनें जो भी हैंडमेड काम होता है वो सब दिखाने वाले हैं और चलते हैं इनकी फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं काम किस तरीके से होता है सबसे पहले जो प्रोसीजर है ये कटिंग ये कट के आती होगी अच्छा ये जो पीयू मटेरियल होता है ये कट के आता है पूरा फिर आता है ना हां टेबल फिर इसके बाद ये फिटर होती है इस मशीन से अच्छा इस मशीन में ये मतलब इस तरीके से डिजाइन देके इसको सिलाई दे दी जाती है हैंडमेड काम है ना सब अच्छा हैंडमेड होता है फिर उसके बाद जब बन जाता है इसके बाद क्या होता है फिर इसके बाद ये बॉटम जो आता है इस तरह से इसकी बॉटम होती है अच्छा और इस ये किस तरीके से इसमें क्या पेस्टिंग होती है हाँ पेस्टिंग होगी ना अच्छा सोल चुपकेगा इसके अंदर ये तो उसने अच्छा अभी ये शेप देने के लिए इसके अंदर डाला हुआ है इसे क्या कहते हैं फर्मा ये फर्मा में आ गए इसके बोलते हैं बॉटम अब ये बॉटम पे होगी अच्छा अब ये इसके बाद ये अब इसके बाद ये देखिए इस तरीके का फर्मा होता है ये बड़ा भारी होता है ये और ये किस क्वालिटी का किस मटेरियल का है प्लास्टिक का ही होता है होता है तो ये हर साइज के हिसाब से अलग होता है 6, 7, 8, 9, 10 अब जैसे कि हमें 6 की जोड़ी चढ़ानी है तो 6 का ये मॉडल लेंगे वहाँ से इसकी बॉटम करेगा ठीक है बॉटम करने के बाद ये फिर मैं ये आपको दिखाऊंगा मशीन में प्रोसेसिंग में चले जाता है ये तो इसे हम बोलते हैं हीट चैम्बर अच्छा हीटिंग चैम्बर उससे जोड़ी है ना अब जैसे उसने बॉटम कर दी बॉटम के बाद उसको उसमें लगा
और ये लाइट से इसको ऑन कर देते हैं। अच्छा हाँ, 15 मिनट के लिए। अच्छा। इसके अंदर ऑटोमेटिक सीटी लगी है, वो 15 मिनट के बाद आवाज़ आ जाती है, तो ये जोड़ी गर्म हो जाती है, उससे जोड़ी अच्छी बन जाती है। ये मशीन इसको गर्म कर देती है तो जोड़ी अच्छी चारों तरफ से अच्छी फिनिशिंग में आ जाती है। कहने मतलब ये जो इसका फर्मा इसकी इसका शेप ले लेती है पूरा। और हम चलाते हैं इसको, उतार देंगे तो जोड़ी अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा, और फिर ये फर्मे के ऊपर चढ़ने के बाद बॉटम लगने के बाद इधर आ जाती है पेस्टिंग के हाथ से होती है इसकी, ब्रश वगैरह से प्यू लगाते हैं इसके ऊपर, जैसे कि पूरी जोड़ी बन गई, इसके ऊपर प्यू लगा दिया हाथ से। अच्छा, वो सूखने के लिए इस तरह से रख देते हैं। रखने के बाद ये चैम्बर है या इसके बाद ये जोड़ी इस तरह से ही गर्म होके रख जाती है और सोल्ड ऐसे। अच्छा, अब ये चुपक जैसे ये दोनों चीजें गर्म हो जाती हैं तो वो उसको हाथ से चिपका देते हैं। अच्छा, ये हाथ से चिपका देते हैं। इसके बाद चिपकाने के बाद इस जगह पर उसकी अच्छी पेस्टिंग के लिए ये मशीन स्टेप कर लेती है, पकड़ लेती है। अच्छा, शूज को सोल उसको तो इसको लगा के रखना पड़ता है कुछ देर तक। कुछ देर तक समथिंग ऐसे 3-5 मिनट 4 मिनट बस, फिर उसके बाद ये निकलता है तो ये पेस्टिंग कंप्लीट होती है। इसके बाद इसको जोड़ी में निकाल दिया, यहाँ से जोड़ी को ऐसे करके उतार देते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे ये उतर के ये आ गई। अच्छा, अब इसके बाद इसके अंदर फिर फिनिशिंग होती है। ये फिनिशिंग इसके बाद ये रॉ शू है अभी। हाँ। इसके अंदर फिनिशिंग देने के लिए क्या करते हैं फिर उसके बाद? अब फिनिशिंग डालते हैं। अब लास्ट का इसका काम है फिनिशिंग का। अच्छा हाँ, तो ये इसके अंदर ये फिनिशिंग डल दी है, ये जो मैंने आपको दिखाया था स्प्रे वगैरह, ये तैयार हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो ये इसके अंदर वगैरह ये सब फिनिशिंग वगैरह सब यहीं डल दी। तो ये लास्ट का जो काम होता है फिनिशिंग का होता है जी। तो ये जो इसमें कलर यूज होता है या फिर ये कलर है ये, और इसके अंदर जो ये शाइन होती है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी शाइन आती है। अलग अलग केमिकल होते हैं, अब जैसे कोई मैट मांगता है, कोई चमक मांगता है, तो उसके लिए अलग अलग केमिकल होते हैं हम जो यूज करते हैं। ये केमिकल अच्छा, ये सब लगा वो केमिकल्स अकॉर्डिंग टू जूते वो जितने भी होते हैं वो आप उस हिसाब से उसमें डालते हैं फिनिशिंग। ये क्या मांग रहे हैं? अब ये सिंपल जोड़ी। अच्छा, जैसे ये मैट कलर है तो इसके अंदर फिनिशिंग के लिए क्या होता है? वो जो लास्ट आपने प्रोसेस बताया उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद एक केमिकल आता है जो उसको इसको है ना, ये सब गंदगी है ना, इसको साफ कर देता है। अच्छा, इसके ऊपर वॉशिंग हो जाती है पूरी? वॉशिंग होगी, पहले वो लगेगा, फिर जोड़ी रख दी जाएगी सफाई है ना। अच्छा, फिर इसके बाद ये साकेट डलेगी इसके अंदर इस टाइप की। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे पतावा कहते हैं, पतावा बोलते हैं। साकेट डल गई, इसके बाद ये स्प्रे डाल देंगे जो भी हमें चमक डालनी है। अच्छा, अगर मैट रखना है तो ऐसे छोड़ देंगे? अगर नहीं नहीं, मैट की भी फिनिशिंग आती है। अच्छा, मैट की भी फिनिशिंग आती है, कहने का मतलब ये उससे वो भी स्प्रे से होती है? स्प्रे से ही होती है। अच्छा अच्छा, इसी स्प्रे से होती है मैट की फिनिशिंग भी। अब फिनिशिंग के बाद ये आ जाती है, डिब्बों में पैक हो जाती है। हाँ, फिनिशिंग के बाद ये आपके बॉक्सेस होते हैं, ये बॉक्सेस में पैक हो जाते हैं। तो भाई, आपका जो माल जितना भी बनाते हैं कहाँ कहाँ तक सप्लाई होता है आपका माल? हिंगी मंडी ही ज्यादा सप्लाई होता है। हिंगी मंडी मतलब आगरा के अंदर ही ज्यादा सप्लाई होता है? एक दो जगह बाहर करते हैं, मतलब बाहर के लिए ये प्रॉब्लम है कि भाई बाहर जाएंगे हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, कलेक्शन लेकर आएंगे। कहने का मतलब ये आगरा के अंदर ही इतना आपका सप्लाई हो जाती है कि बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कितनी क्वांटिटी पर डे के हिसाब से आप लोग बनाते हैं? देखिए, ये तो काम के ऊपर है। अब जैसे कि 200-300 जोड़ी तो 200 जोड़ी तो बनी जाती है, क्योंकि अब इसमें छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। और सीजन के हिसाब से भी फिर चलता होगा काम? सीजन के हिसाब से भी चलता होगा, डिमांड ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा काम हो जाता, डिमांड कम हो जाता। मैं एक बारी आपको ओवरव्यू दे दूं फैक्ट्री का। ये पूरी फैक्ट्री है, आज थोड़ा छुट्टी का टाइम है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है और लेबर भी नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे आप ये यहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा है, यहाँ पे अनफिनिश प्रोडक्ट्स हैं, और उस वाले कमरे के अंदर जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे इनकी जितनी भी हैंडमेड मशीनरीज हैं वो रखी हुई हैं, प्लस अंदर यहाँ पे पेस्टिंग वेस्टिंग का काम होता है, और यहाँ पे भी ये अनफिनिश जो शूज़ होते हैं उनके ऊपर काम होता है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया बबलू भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें दिखाई कि किस तरीके से आप जूते बनाते हैं यहाँ पे, और कितने अच्छे जूते, अच्छी क्वालिटी के जूते बना के आप लोग हमें बेचते हैं, और किस बेस्ट प्राइस रेंज में आप लोग जो जूते प्रोवाइड करते हैं वो हमें आगरा के सिवा और कहीं पे भी नहीं मिले। मैं हर जगह घूमता हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे आके ये चीज़ देखी कि एक्चुअली में जो लेदर का, सिंथेटिक लेदर का जो भी लेदर से रिलेटेड काम होता है वो आगरा में बेस्ट होता है। और आप मेरे दर्शकों को प्लीज एक बार बता दीजिए कि अगर इनको जूते चाहिए तो ये बबलू भाई हैं, इनसे आके आप मिल सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट जो है माल प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये मैन्युफैक्चरर हैं लेकिन ये डायरेक्ट आपको माल प्रोवाइड करेंगे। इससे बेटर है कि आप हिंग की मंडी जाएं या फिर कहीं और जाएं, होलसेलर से लें। इससे बढ़िया है कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल लीजिए। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपको जो है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा,
और दूसरी चीज वो बेस्ट प्राइस मिलेंगे आपको। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पूरी डिटेल्स एड्रेस के साथ दे दूंगा। और अब मैं चलता हूँ आगे अपनी जर्नी शुरू करने के लिए फैक्ट्री से, और मैं आगे की ब्लॉगिंग आपको दिखाता हूँ। थैंक यू बबलू भाई, थैंक यू सो मच।